आज संस्कारों पर लौकिकीकरण का क्या प्रभाव है, इसके संदर्भ में चर्चा करना है। भारतीय जीवन में, विशेषकर हिंदू धर्म में, संस्कारों का विशेष महत्व रहा है, जिसमें जन्मोत्सव, विवाह और यज्ञ की प्रधानता रही है। लेकिन आज बदलाव हुआ है। आधुनिक युग में देखा जा रहा है कि जब पहले जन्मोत्सव मनाया जाता था तो इसे एक यज्ञ की तरह मनाया जाता था, लेकिन आज देखा जा रहा है जो आमंत्रित व्यक्ति होते हैं इसे मनोरंजन के रूप में देखते हैं। पहले विवाह में 5 से 6 दिन लग जाता था, जनेऊ की प्रक्रिया होती थी, लेकिन आज इसमें बदलाव हुआ है। आज सिर्फ 1 दिन में ही कार्यक्रम पूरा कर लिया जाता है। हालांकि आज समय का अभाव है, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि अपने संस्कार से हट रहे हैं। जैसा कि आज जब विवाह में व्यक्ति पहुंचते हैं तो जयमाला होते होते लोग निकलने लगते हैं, और जब कन्यादान होता है तो उस समय बहुत कम व्यक्ति रहते हैं, और जो संस्कार सीखने की आवश्यकता है उसे भूल रहे हैं। आज देखा जा रहा है कि आज के युवक अपने संस्कार को भूलकर दूसरी दिशा में जा रहे हैं। बड़ों को किस प्रकार आदर दिया जाए बिल्कुल भूल रहे हैं। इस तरह से आज लौकिकीकरण का प्रभाव पड़ा है। आज के युवक शिक्षा की ओर अग्रसर हुए हैं, नारियां भी शिक्षा की ओर अग्रसर हुई है। एक ओर उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया है, लेकिन दूसरी ओर संस्कार को भूल रहे हैं। यह जरूरी है शिक्षा प्राप्त करना, लेकिन जब तक हम संस्कार प्राप्त नहीं करेंगे तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। संस्कार में ऐसे ऐसे गुण होते हैं जो हमें सीखने की आवश्यकता होती है। आज हम पूजा करते हैं लेकिन उस अनुरूप में नहीं करते हैं। आज एक हमें उस तरह नहीं करते हैं, सिर्फ समय काटना ही पूजा का उद्देश्य रह गया है। हमें पूजा उस अनुरूप में करना चाहिए जिससे मन की शांति हो सकती है। आज मानव इतना व्यस्त है कि उसे संस्कार से अलग रह रहा है। देखा जाए तो पहले जमाने में ऋषि मुनि यज्ञ के द्वारा बड़ा सा बड़ा कार्य कर लेते थे, लेकिन आज यज्ञ उस अनुरूप में नहीं हो रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि अपने विकास के लिए यज्ञ की प्रधानता होनी चाहिए। कहा गया है कि जब जब मानव पर कष्ट होता है तब तब यज्ञ करने की आवश्यकता होती है, जिससे पापों का नाश होता है। जैसा कि रामायण में दिखलाया गया कि समय समय पर यज्ञ किया जाता रहा है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हमें उन संस्कारों को याद करना होगा। आज देखा जा रहा है रसोई घर में जो पवित्रता थी धीरे धीरे समाप्त हो गई है। आज देखा जा रहा है जो स्त्रियां अपने सास ससुर को जिस अनुपात में वो
देखती थी आज नहीं देख रही हैं, इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उनके मन को शांत करते हुए अपने आप में परिवर्तन करना होगा, तभी परिवार का विकास हो सकता है। और जब परिवार का विकास होगा तो समाज का विकास होगा, और जब समाज का विकास होगा तो देश का विकास होगा। इसलिए अपने सभी संस्कारों को याद करने की आवश्यकता है। अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस महत्वपूर्ण व्यूज़ को लाइक कर, सब्सक्राइब कर, शेयर करें, जिससे समाज में ये महत्वपूर्ण बातें पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।